नमस्कार दोस्तों, अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीराजपुर के प्रभारी मंत्री श्री सुरेंद्र हनी बघेल, उनसे हम बात करेंगे आपके कुछ मुद्दों पर। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल कि आप प्रभारी मंत्री बने हैं करीबन एक महीना हो गया है, तो क्या इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं आपने दोनों ज़िलों के, जिस पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, झाबुआ और अलीराजपुर में विकास के नाम पे जो इनके जनप्रतिनिधि रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने अपना विकास किया, अपने आप को मजबूत किया। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, पंचायत के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे जब चर्चा होती है तो अभी भी बहुत जगह काम करने की ज़रूरत है। हैंडपम्प बहुत जगह मांग है, बिजली की मांग है, डीपी नहीं लगी हुई है, सड़क नहीं बने हैं, छात्रावास में सुविधा व्यवस्थित नहीं मिली है, आंगनवाड़ी में व्यवस्थित भोजन की दिक्कतें हैं, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो सामने आ रही हैं, पर उसका हमने वर्क प्लान तैयार कर लिया है और जिसका क्रियान्वयन आपको जल्दी दिखेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा जो है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे और गांव-गांव में विकास हो, उसके लिए हमने काम करना चालू कर दिया है। प्राथमिकता हर क्षेत्र के लिए है हमारी, और आपको दिखेगा कि हम लोग इस पर सब हम काम कर रही है हमारी सरकार। अच्छा, तीन बड़े इशू हैं सर यहाँ पे, रोजगार के लिए पलायन, शिक्षा के लिए पलायन और स्वास्थ्य के लिए पलायन, और आदिवासी मजबूर होता है इन तीनों के लिए, इसके लिए कोई खास ब्लूप्रिंट? देखिए, केंद्र में जब हमारी सरकार थी मनमोहन जी के नेतृत्व में तो हमने मनरेगा इस देश को दिया, पर जब से 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मनरेगा को लगभग इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारी बेसिक योजना यही थी कि जो पलायन हो रहा है झाबुआ से, अलीराजपुर से, अन्य ज़िलों से, तो मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोज़गार उनके गांव में मिल जाए, उनकी पंचायतों में मिल जाए, पर उस योजनाओं को पूरा ख़त्म कर दिया है भाजपा की सरकार ने। तो हम वापस से, हमारी सरकार आई है तो हम इन बिंदुओं पर संबंधित विभाग से चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि रोज़गार का जो अवसर है जो लोगों को गांव में मिलना चाहिए, उस पर हमने कार्य करना चालू कर दिया है। अच्छा, करीबन 5,000 से ज़्यादा आवेदन दोनों ज़िलों में आए हैं झाबुआ अलीराजपुर में कर्ज माफ़ी में विवादों के। तीन तरह के विवाद हैं, जिनकी ज़मीन नहीं है उनको कर्ज मिल गया, जिनके खाते नहीं हैं उनको कर्ज दर्शाया जा रहा है, और जिन्होंने कम कर्ज लिया उनको ज़्यादा दर्शाया जा रहा है। तो कोई ठोस एक्शन अभी तक होती दिखाई नहीं दे रही। देखिए, अभी जितनी भी इस तरह की दिक्कतें या परेशानियाँ आ रही हैं उसको हम सब लोग कंप्लाइल करवा रहे हैं, और जैसे हमारे पास पूरी जानकारी आ जाती है आपको दिखेगा कि जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई होना भी चालू हो गई है। एक बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव, क्योंकि 2014 में यहाँ कांग्रेस आ रही थी लेकिन उपचुनाव में ज़रूर जीती थी, क्या उस रिदम को बनाए रखेंगे? और अभी जो ताज़ा जीत मिली आप लोगों को, कितना अंतर से आपकी उम्मीद है? देखिए, कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास है, उसका परिणाम पिछले विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस बार लोकसभा धार और ये अपने झाबुआ ज़िले के परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे, और माननीय भूरिया जी जितनी लीड से पिछली बार जीते हैं उससे ज़्यादा लीड से जीत कर इस बार लोकसभा में वापस जाएंगे। आपने प्रभारी मंत्री हनी बघेल साहब को सुना, जिनका यह दावा है कि लोकसभा में कांग्रेस एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। झाबुआ अलीराजपुर ज़िले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।